अस्सलाम वालेकुम, शनासा टीवी न्यूज के साथ मैं हूं कैसर दिलावर जदूर। शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। तहसील हसन अब्दाल और तहसील टैक्सला के तारीखी अहमियत के दो खूबसूरत जुड़वां देहात निकू बुफाद पुल के साथ पिकनिक पॉइंट बनवाने का मुतालबा। मुश्तरका मुफाद कमेटी और मुकामी अफराद का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पाक बनवाने का मुतालबा। खबरें तफसीलात के साथ। तहसील हसन अब्दाल और तहसील टैक्सला के तारीखी अहमियत की खूबसूरत जुड़वां देहात निकू बुफाद पुल के साथ पिकनिक पॉइंट बनवाने का मुतालबा। मुश्तरका मुफाद कमेटी और मुकामी अफराद का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पार्क बनवाने का मुतालबा। मुकामी अफराद का कहना है कि नेशनल हाईवे का तकरीबन 300 कनाल का रकबा बंजर पड़ा है जहाँ कोई दरख्त नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएँ और पिकनिक पॉइंट बनवाए जाएँ। यहाँ पर पिकनिक पॉइंट बनाया जाए जो कि इलाके की बेहतरी के लिए और यहाँ पे लोग आकर अपने इलाके की खूबसूरती के लिए यहाँ पर पिकनिक बनाएं और जगह ये जगह जो है पिकनिक के लिए बहुत अच्छी है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है जो कि दरियाए हरोक के दाएं किनारे पर आबाद है। हुकूमत वक्त की तवज्जो से इसे सियाती मुकाम में तब्दील हो सकते हैं जहाँ पूरे मुल्क में से सयाह आकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मुकामी आबादी जो कि ज़्यादातर बेरोज़गार है बाइज्जत रोज़गार हासिल कर सकती है। दरियाए हरोक के दोनों तरफ बेहतरीन सियाती मुकाम बन सकता है। हुकूमत वक्त की तवज्जो से यहाँ पर तहसील हसन अब्दाल, तहसील टैक्सला, हैबर पख्तूनख्वा से तहसील गाजी के अलावा इस्लामाबाद, अटक और रावलपिंडी, हरिपुर, एबटाबाद और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से सियाहत के लिए लोग आ सकते हैं। कश्ती रानी, राफ्टिंग और फिशिंग से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जो मुकामी अफराद जो कि ज़्यादातर बेरोज़गार हैं को बाइज्जत रोज़गार मिल सकता है। साथी रिपोर्टर सबीर शाह के साथ कैसर दिलावर जदून, शिनासा टीवी, हसन अब्दाल। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें। शिनासा टीवी रखे आपको हर खबर से बाखबर।